अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दही बड़े की रेसिपी, जो बहुत ज्यादा स्पॉन्जी बनकर तैयार होंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपने दही बड़े स्पॉन्जी से। तो यहाँ पर मैंने उड़द की दाल ली है, एक कप धुली दाल, और एक कप ही मैंने लिया है मूंग दाल। इन दोनों को हम भिगो देंगे। अगर आपको जल्दी बनाने हैं तो आप इसे गर्म पानी में भिगो दीजिएगा, वरना अगर टाइम है आपके पास तो नॉर्मल पानी में भी आप भिगो सकते हैं। तो हमने डाल दिया है इसमें गर्म पानी, मुझे जल्दी से चाहिए दाल और इसके बनाने हैं बड़े। तो देख सकते हैं आप, मेरी दाल जो है अच्छे से भीग चुकी है। मैंने आधा घंटा गर्म पानी में ही भिगोया था और अच्छे से भीग चुकी है और फूल चुकी है। अब चलिए इसका हम डो बनाते हैं। तो अब इसको जो मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। तो देखिए हमें इस तरह से पीसना है। दाल अगर हम सूखी डाल रहे हैं तो थोड़ा सा पानी डालिएगा, हल्की सी जो गीली दाल होनी चाहिए, पीस भी अच्छे से जाएगी और इसके बड़े भी बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी सॉफ्ट बनेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दाल को पीस कर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं सारी दाल हमारी पीस चुकी है। अब इसे मैं बीट कर रही हूँ इलेक्ट्रिक बीटर से। आप चाहें तो, अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो आप हाथ से किस तरह से किया जाता है आप मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। और बीटर अगर आपके पास है तो बहुत ही आसान तरीके से आपका बीट हो जाएगा, तो आप बीटर से ही करिएगा, हाथ आपका दुखेगा भी नहीं। आप देख सकते हैं इसको बीट करते करते इतनी होनी चाहिए, व्हाइट कलर भी हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा उससे पता लगता है। और ये आप हाथ में लें या फिर आप किसी भी चीज में लें, उसी में इसका बैटर रुक जाएगा। आप देख सकते हैं इसका सारा रुक चुका है, ये परफेक्ट हमारा बीट हो चुका है अच्छे से। अब चलिए इसके हम बल्ले बनाते हैं, फ्राई कर लेते हैं। तो हमने डाला है तेल के अंदर, तेल जो है गर्म होना चाहिए इसका, मीडियम ही, ज्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए। हल्का सा जब गर्म हो जाए तेल तो उसमें हमें डालना शुरू कर देना चाहिए। तो इस तरह से मैंने डाल दिए हैं। आप छोटे बड़े आप अपने मुताबिक बना लीजिएगा बड़े। तो मैं इस तरह के बना रही हूँ, छोटे हैं मीडियम साइज के, ना ही बड़े हैं और ना ही छोटे हैं। इस तरह से डाल के हमें इसे उलटते पलटते फ्राई कर लेना है। अब वैसे तो हम इसे डालेंगे थोड़ा सा तेल गर्म, जैसे होगा ये खुद पे खुद पलट जाते हैं। तो मैंने इसको पलट दिया है और अब इसको जो है हम निकाल लेंगे। और हम इसे अगली बार कैसे फ्राई करते हैं मैं आगे प्रोसेस में वो भी बताऊंगी। पहले हम इसको निकाल लेते हैं और एक बार एक बैच के और डाल देते हैं। तो मैं अब दूसरे बैच के इसमें डाल रही हूँ। तो आप भी इस तरह से फ्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे बनेंगे आपके और अंदर से कच्चापन भी बिल्कुल नहीं आएगा। फ्रेंड्स फ्रेंड्स चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे चैनल पर ऐसे ही आपको रेसिपी मिलेंगी। अगर आपको कोई पसंद आती है मन है कि हमें इस तरह की रेसिपी चाहिए मेरे तरीके से, तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो देखिए मैंने दूसरे बेच के भी फ्राई कर लिए थे। अब दोनों वेज के एक साथ मिलाकर मैंने लो फ्लेम पे इन्हें सेका है ताकि ये अंदर से अच्छे से फ्राई हो जाएं, कच्चापन बिल्कुल नहीं रहे। इसी तरह से मैंने सारे बनाकर फ्राई कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे इतने सारे बड़े बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। और इसको मैं फ्रिज में भी रखूंगी, स्टोर करूंगी, क्योंकि इतने इस्तेमाल नहीं होंगे। अब जो हमें इस्तेमाल करने हैं उतने मुझे पानी में डालने हैं। इसमें डाला है मैंने काला नमक, पानी के अंदर गुनगुना पानी लिया है मैंने, और इसमें डाला है 2 पिंच के करीब हींग। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसमें डाल देंगे बड़े, तो जितने आपको इस्तेमाल करने हैं आप उतने ही पानी में डालिएगा, सारे मत डालिएगा। जब भी आपको खाने हो और पानी में डालिएगा और इस्तेमाल कीजिएगा। तो देखिए मैं इतने ही डाल रही हूँ जितने मेरे घर में इस्तेमाल होंगे। तो देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया पानी के अंदर। अब इसको डाल दूंगी और ये पानी में खुद सोख हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। मैं इसको ढककर रख देती हूँ। अब बाकी बच्चों को हम क्या करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हम इसे फ्रिज में स्टोर करेंगे। अभी फिलहाल तो ये हमारे गर्म है, इन्हें थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा करने के बाद ही फ्रिज में हम इसको रखेंगे। तो आप जब चाहें आप इसे बना के खा सकते हैं, फ्रिज में से निकालें और उबाल कर पानी को उसमें डाल दीजिएगा और आपके जो बड़े एकदम फ्रेश ताज़ा बन जाएंगे और आप सर्व कीजिएगा। तो देखिए अब ये हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब इसको हम रखते हैं। आप किसी भी इस तरह की थैली ले लीजिएगा,
या आप कोई जिप बैग भी ले सकते हैं, आपके पास जो हो इसमें भी परफेक्ट रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह की आपके पास हर घर में थैली होती है, तो आप इस तरह से आप ले लीजिएगा और इसमें डाल दीजिएगा और टाइट से इसकी गांठ लगा दीजिएगा और रख दीजिएगा फ्रीजर में। आप इसे महीना दो महीना आप रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी में थोड़े थोड़ा आप निकाल के कर लीजिएगा और आपकी जो है एक बार आप बना लेंगे और महीने तक तो इसे खाना खाएंगे, इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई आए उसके साथ, जब मन करे घर में, तब आप सर्व कीजिएगा। बार बार बनाने का झंझट भी नहीं रहेगा। तो देखिए हमने इस तरह से रख दिया है, मैं इसको फ्रीजर में रख दूंगी बाकी बचे हुए, और जो हमने पानी में डाले हैं उनको इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखिए फूल कर कैसे हो गए फ्रेंड्स, कितने बड़े साइज में भी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए कितने स्पॉन्जी हैं, अंदर से एकदम जालीदार बने हैं। एक बार मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी बने हैं और बिल्कुल भी किसी बड़ों में जो है कच्चा सा पन होता है ना, वो बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए इनको सर्व कर लेते हैं। तो हम डालेंगे इसमें बड़े, पानी निकाल कर ही डालिएगा, इसका पानी निकाल देंगे। देखिए आपको जितने सर्व करने हैं प्लेट में आप उतने कर लीजिएगा, मैंने उतने रखे हैं। तब इसमें मैं डाल दूंगी दही, आप इसे तोड़ के डालें या साबुत रखें, आप अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। अब इसमें दही डाल दिया, दही में सिर्फ थोड़ी सी चीनी मिला लीजिएगा। तो मैंने चीनी मिला दी है दही के अंदर। अब ये मैंने डाली है मीठी, खट्टी मीठी चटनी, इसकी भी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही मजे की ये बनती है और आसान तरीका है चटनी बनाने का। तो देखिए इसमें मैंने डाल दिया है ग्रीन चटनी भी, ग्रीन चटनी की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और इसमें डाल दिया है मैंने बड़े का मसाला और आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हैं फ्रेंड्स, जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ।